एक्सरसाइज थ्री डी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और फर्स्ट पार्ट है आपका टू टू फाइव देखिए हमको यह बताना है कि टू टू फाइव का स्क्वायर रूट क्या होता है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ये क्या चीज है लेकिन आपको यह सॉल्व करने से पहले यह बता दूं कि आपको मेथड क्या यूज करना है उसने कहा है मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये देखो टू टू फाइव जो है ना आप उसको ऐसे लिखो और इसके फैक्टर्स तोड़िए और फैक्टर्स जो लेंगे वो कैसे लेंगे प्राइम फैक्टर्स ठीक है तो पहला प्राइम नंबर है टू से टू से ये डिविजिबल नहीं है तो अगला प्राइम नंबर है थ्री तो थ्री से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो थ्री सेवन ट्वेंटी टू है थ्री फाइव जे फिफ्टीन नहीं आता है तो आप टू टू फाइव को डायरेक्ट थ्री से डिवाइड करोगे यही आएगा फिर अगेन मैंने थ्री से चेक किया तो थ्री टू जो सिक्स और ट्वेंटी फाइव तो और फाइव वन जे फाइव यानी कि आपको स्क्वायर रूट टू टू फाइव की वैल्यू निकालनी थी जिसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव ठीक है कहने का मतलब यह है आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे ना ये टू टू फाइव ही आएगा और आपको यह बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट की तो आपको क्या करना है इस स्क्वायर रूट से वो बाहर निकलेगा जिसका बन जाएगा पेयर तो देखो जोड़ा बन गया एक ये और एक जोड़ा बन गया ये ठीक है तो ये दो जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे एक तो थ्री और एक फाइव और थ्री फाइव से क्या होता है फिफ्टीन यानी कि अगर स्क्वायर रूट टू टू फाइव को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा फिफ्टीन इसका मतलब क्या है कि अगर फिफ्टीन की मल्टीप्लाई फिफ्टीन से करोगे तो क्या आएगा टू टू फाइव ठीक है आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा नहीं आया तो हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो आपको मिलेंगी तो आप इजीली समझ जाओगे कि क्या है ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर